यार ये मुर्गी कल भी ठीक थी, कल मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाई। ओए होए होए यार, कल ये मुर्गी ठीक थी, मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सका। परसों भी थोड़ी बहुत, मतलब कल भी थोड़ी बहुत ही थी, आज यार बेचारी मर गई है। ऐसे यार अब दफनाए थे बेचारी को, कोशिश यार हमने बहुत की है, इसे दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं, लेकिन मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था इसका बिल्कुल एंड है, लास्ट स्टेज है बिल्कुल, इसकी बहुत काम है सर्वाइव करना ना। अब दफना देते हैं यार इसे जल्दी से। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका, सब ठीक है भाई? क्या हो गया आहिस्ता आहिस्ता? अच्छा अंडा दिया तो बोलता जा रहे हैं, पीछे हो अंडा दिखाओ पीछे हो। बारह आज चलो, ये देखें जी माशाल्लाह से अंडा आ गया, और हमारे पास तीन अंडे, तीन का चार, मैं देखता हूँ अंदर जाके, इसे मिला के मेरे ख्याल से चार हो जाएंगे, हमारी अंदर ही बैठी हैं, इनके अंडे अब हम तकरीबन 10 दिन बाद चेक करेंगे। अच्छा जी ये रखते हैं यहाँ पे, ये जी तीन चार अंडे हो गए, पढ़ लें दाना डाल दें अपने कॉकटेल को, ये लीजिए उनका मैंने सुबह ही डाल दिया था, उनके बाद भरा हुआ पड़ा है। और आपको पता है कल एक मुर्गी मर गई थी, आपने उसकी हालत देखी थी ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सुबह मरी, कल नहीं, कल तक तो बस कंडीशन ऐसी थी जैसे पहले थी, सुबह आके जैसे मैंने देखा वहाँ पे पीछे करके ना वो बाल्टी के पीछे मरी हुई थी। यार कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी की थी कि बच जाए, लेकिन यार आपने हालत देख ली थी उसकी कैसी थी, बिल्कुल ढीली हुई पड़ी थी। कोई नहीं यार, हमने तो पूरी कोशिश की थी ना अपनी तरफ से, दवाइयाँ दी थी। हाँ जी भाई, खाने भी आ गए हो? खैर मैं कह रहा हूँ फिंचेस को थोड़ा सा देख ही लेते हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा वैसे नज़र तो आती नहीं है, देखा नज़र आ नहीं रही। चलो यार अंडे दिए हुए हैं इनको, 10 दिन बाद चेक करेंगे, बंद कर देंगे। आज भाई जान 27 अक्टूबर है, हमने याद रखा है, हम अब देखेंगे 7 तारीख को देखेंगे इसके निकले हैं बच्चे के नहीं, उसको हमने इसका भी चेक करना है और इसका भी हमने चेक करना है 7 को, इसके बल्कि हमने 5 तारीख को करना है। यार इसका मुझे याद नहीं है, मैं अपनी वीडियो पुरानी खोल के देखूंगा, मेरे ख्याल से इसका भी हमने 7 तारीख को चेक करने हैं, बच्चे निकले हैं कि नहीं, और इसका भी हम 7 तारीख को करेंगे, क्योंकि इनके बच्चे ना तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 12 या 13 दिन में निकल आते हैं, क्योंकि 3-4 दिन तो हो गए इन अंडे दिए हुए, तो इंशाल्लाह हम चेक करेंगे 7 तारीख को, देखेंगे भाईजान बच्चे निकले हैं कि नहीं। खा रहे सारा कुछ घर का वेस्ट, जो भी सालन वगैरह रोटी वो चने वगैरह वो रोटियाँ ज़्यादा भी करता हूँ, और वो जो वेस्ट होता है वो ज़्यादा डालता हूँ। देखा यार इनके काम आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इनको ज्यादा गंद डाला, थोड़ा सा, और इन्होंने सारा गंद गंद मचा दिया है, थोड़ी सी ने ज्यादा गंदम डाल दी थी, इन्होंने पूरे पिंजरे में गंद मचा दिया। अब भला मैं क्या करूंगा इनको, कल तक नहीं डालूंगा, देखना कल तक इन्होंने सफाई कर देनी है, और आइंदा से इनको कम दाने डालूंगा, मतलब इनकी बराबरी का डालूंगा हिसाब से, मतलब खाते हैं अगर ज्यादा डालो ना फिर ये बहुत ज्यादा जाया करते हैं। जाया क्यों करते हैं? पानी सारों को बदल दें, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर दवाई मिलाई थी हमने, जो काला पानी था यार, क्या कहते हैं ब्लैक, जो भी दवाई थी वो जो गुजरावाले से अंकल ने भेजी थी वो डाली हुई है, तो अब चेंज करते हैं सारों का पानी, तब पानी भरते हैं। ये लो भाई अच्छा अंदर चल 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 चलो जाओ, चलो भाई अरे बाहर आ जाओ। मुर्गा जो हमारा है नहीं, वो थोड़ा थोड़ा ना ढीला लग रहा है, ये देखें तो कमजोर थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे, मैंने इसे बाहर जाके देखता हूँ, पता नहीं इसकी पारे उखड़े हैं क्या हुआ, वो देखे कमजोर कमजोर सा लग रहा है, अंडा दिया अंडा नहीं दिया, डरा डरा लग रहा है, क्या हुआ पता नहीं, इसकी लड़ाई तो नहीं हुई चकोर के साथ, डरा डरा सा लग रहा है बड़ा, पकड़ के देखते हैं कोई बीमारी वगैरह से नहीं, यार क्या हुआ है बड़ा कमजोर, ये देखें बड़ा कमजोर हो गया है वो, ये तो डर रहा है, ये तो मेरे ख्याल से लड़ाई होती है इनकी, वे इनका काम तो खराब है, चेक करते हैं यार, वो बहुत ज्यादा ढीला हुआ है, इसे पकड़ के ना देखते हैं भी रहा है, लेकिन ना इससे मेरे ख्याल से ये देखें डरता है भाईजान, मेरे ख्याल से इसने कोई मारा है इसे, वो देखें फुल ढीला होकर बैठा हुआ है, वे लगता है यार कोई काम खराब है चल रहा है ना, दुम भी इसकी यार पता नहीं इसके दुम के बाल उतर गए हैं, दुम ना नीचे नीचे है, मैं अंदर जाके देखता हूँ बाल तो नहीं उतर रहे दुम के, हाँ जी भाई बाल तो वैसे उतरे हुए हैं, लेकिन मुर्गे की दुम के नहीं नज़र आ रहे, ये थोड़े थोड़े लग तो रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या मसला है, तंदुरुस्त नहीं खड़ा जैसे पहले खड़ा होता था ना शेर बन के, अब देखें अब बिल्कुल सही हो गया, दुम उठाई है यार, इसे पकड़ के देखते हैं कोई मसला तो नहीं है, नहीं पकड़ते यार, ये तो पकड़े नहीं जा रहे, मैं एक को पकड़ दूँ सारे उछलने लग जाते हैं, इधर उधर जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, वैसे यार इतना बीमार नहीं सही लग रहा है मेरे ख्याल से, इससे कोई ना तू तू मैं हुई भी है इसकी, कोई नहीं यार एक दो दिन में बन जाएंगे, 2 दिन का चलता रहता है आपस में। Oh, 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 oh
चलो भाई जाओ अंदर, चुप तो हो जाए। कुकु 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 इतना बोलता इतना बोलता सर खपा देता है। ये देखे अभी बोलता जा रहा है, इस तरह बोलता रहता है, पता नहीं यार क्यों बोलता इतना। अपने तोता को पानी बदलते हैं जल्दी से, अरे इसका मैं भूल ही गया। अच्छा यार देखें ना, पानी भी गंदा करती है, करती इसलिए है क्योंकि आप ये देखें बीठे आई हुए इसके अंदर, और बीठे यहाँ तो कहीं बैठ से नहीं जो बीठे आए। ये ना फिंचिंग हमारी नहाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से देख के ना दिल खुश हो जाता है, नहाती हैं इसलिए गंदा होता है पानी। ये भी चेंज कर देते हैं अभी। ये लो, हाँ जी भाई कले कले खाना खा रहे हो। ये लो भाई पानी तुम्हारा, ये लो भाई। अच्छा जी आपने अपने तोतों और मुर्गियों का ना ताज़ा पानी भरना करना रोजाना, रात को उठा देना और सुबह उठ के ताज़ा पानी भरना करना, वो इसलिए क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ, रात को पानी हो जाता है ठंडा और सुबह जब ये उठ के पीते हैं ताज़ा ताज़ा उन्हें तो लगता है ताज़ा है, तो ये पीते हैं इनका हो जाता है गला ख़राब, उसी वजह से ना बहुत ज़्यादा बर्फ बीमार होते हैं। तो आपने ताज़ा पानी भरना है सुबह, तो आपने निकाल देना तकरीबन 9, जब भी आप सोते हैं ना सोने से आधा घंटा पहले या जब भी आप फारिग हो रात को आपने निकाल देना है, और सुबह 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 जब नमाज का फजर का टाइम होता है उठ के सारे अपने परिंदों को डाल दें। भाईजान सर्दी में मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई आपका परिंदा बीमार नहीं होगा। अभी थोड़ी सी देर रह गई सर्दी में, तकरीबन हफ्ता और रह गया, वैसे इस मौसम में आ जाती है, इस दफा पता नहीं क्यों नहीं आई। तरपाले वगैरह अभी लगा देंगे, अभी नहीं लगाएंगे, महीना ठहर के कोई लगाएंगे आराम से। कोई बीमार नहीं होता, कोई और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इतना पानी आपने बदलना ठीक है। मुर्गा यार पहले इधर फिरता होता था, अब नुक्कड़ में जाके मेरे ख्याल से भैया ने इसके साथ ना कोई वड्डा ही फड्डा पड़ा इसका, डरता बहुत है उससे। हाँ पहले आगे आके लड़ता था इसके साथ, मारता मतलब मारता नहीं, आगे आता था वो फिर पीछे चल जाता था। अब ये हो रहा है कि वो आगे जाता है वो पीछे पीछे भागता है, मुर्गा दूर भाग जाता है, पता नहीं क्या इनका मसला क्या हुआ, कोटे तो नहीं पड़ी। नहीं यार हो जाएंगे सही। चलो चलो अंदर चलो 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 भाई खा लो। भाई जान चुप कर जो यार, यार आपको पता नहीं इसकी आवाज़ आ रही होगी तेज के नहीं, पूरे सेटअप पे ना सिर्फ इसका रोल है, कु 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 करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, रोक के नहीं रहा। लाजमी से याद दिलवाना है इसका और उसका कि हमने 7 तारीख को बच्चे चेक करने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अभी के लिए दा दीजिए अल्लाह हाफिज़।